हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे सो so, आज की जो ये वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कोवेक्सिन के बारे में कोवैक्सिन क्या है वो कैसे बनाई गई है और वो कैसे हमारी बॉडी में वर्क करती है ठीक है so, सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ सो so, अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलके अपने जो भी साइंटिस्ट हैं हमारे वायरोलॉजिस्ट हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उनको सेल्यूट करें क्योंकि उन्होंने एफर्टलेसली इतना वर्क किया है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक ताकि हमें वैक्सीन मिल सके सो so, सेल्यूट टू तो ऑल द साइंटिस्ट वायरोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड तो सबसे पहले हम जानते हैं हम इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो है वैक्सीन कोवैक्सीन वैक्सीन क्या है ओवरऑल उसके बारे में जानेंगे कोवैक्सीन क्या है उसके बारे में जानेंगे और वो कैसे काम करती है और वो कैसे बनी है उसके बारे में जानेंगे डोजेस के बारे में जानेंगे प्राइसेस के बारे में जानेंगे कोवैक्सीन के उसकी एफिकेसी क्या है यानी कि उसका परफॉर्मेंस क्या है वो कितनी इफेक्टिव है उसके बारे में जानेंगे और उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे स्टार्ट so करते हैं वैक्सीन से वैक्सीन क्या है एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है ठीक है ताकि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी बने हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बने उस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट जिस डिजीज के अगेंस्ट हम वो वैक्सीन ले रहे हैं ठीक है अब वो वैक्सीन हम जो बनाते हैं वो कैसे बन सकती है जो की जो पॉजिटिव एजेंट है जो बीमारी कर रहा है उस जो भी उसका जो एजेंट है उसके या तो उसी एजेंट को हम कमजोर करके अपने शरीर में ले रहे हैं या फिर उसको हम पूरा खत्म उसको मार दे रहे हैं उसको हम ले रहे हैं या फिर उसका कोई प्रोडक्ट है जैसे उसने कोई प्रोटीन बनाया है उसको हम अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं थ्रू वैक्सीन तो इसी यही है कि हम वैक्सीन को कैसे बनाते हैं और वैक्सीन क्या है ठीक है वैक्सीन जन सिंपल सा मतलब है कि वैक्सीन क्या करती है हमारी बॉडी में उस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज का स्टिमुलेशन करवाती है ठीक है देख लेते हैं कि टाइप ऑफ वैक्सीन कितने तरीके की वैक्सीन हो सकती है सबसे पहला है होल सबसे पहली है ये फर्स्ट वन इज होल इनएक्टिवेटेड इनएक्टिवेटेड होल का मतलब क्या हो गया कि हमने पूरा वायरस लिया है और उसको क्या कर दिया इनएक्टिवेट कर दिया उसको यानी कि खत्म कर दिया उसको मार दिया है उसको इतना उसको इतने प्रेशर में रखा गया है कि वो वायरस क्या हो गया इनएक्टिव हो गया खत्म हो चुका है उसको हम अपनी बॉडी में एज अ फॉर्म ऑफ वैक्सीन लेंगे सेकेंड हो सकता है लाइव एट्यूनेटेड लाइव एट्यूनेटेड का मतलब क्या होता है कि हमने

नेक्स्ट हो सकती है रिकॉम्बिनेंट वायरल वैक्टर रिकॉम्बिनेंट वायरल वैक्टर का मतलब क्या हो गया रिकॉम्बिनेंट मतलब दो चीजों को मिलके बनाया गया है वो रिकॉम्बिन Recombin, रिकम्बाइन किया गया उनको यानी कि एक जो वायरस है उसको ठीक है और उस वायरस के जो भी पीस हमने लिया है या फिर उसका उस, उसका कोई प्रोटीन का पार्ट लिया है या फिर उसका आरएनए लिया है डीएनए लिया है कुछ भी लिया है जो वायरस डिजीज कर रहा है उसका कोई पार्ट लिया है और उसको किस में बिठा के ले जा रहे हैं वैक्टर यानी कि एक गाड़ी उसको प्रोवाइड कर दिया ऐसे समझ लीजिए कि उसको एक वहीकल हमने प्रोवाइड कर दिया और वो क्या कर रहा है उसको लेके जा रहा है हमारी बॉडी के अंदर ठीक है उस उस व्हीकल के अंदर हमने उसको फिट कर दिया है और फिर उसको हम एज अ वैक्सीन ले रहे हैं ठीक है रिकॉम्बिनेंट वायरल वैक्टर है यानी कि वायरस का ही कोई पार्ट और किसी दूसरे वायरस में ही हम उसको क्या कर रहे हैं बैठा के लेके जा रहे हैं उस वायरस के अंदर ही दूसरा जो नेक्स्ट टाइप का हो सकता है वैक्सीन वो है कि रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल वैक्टर रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल वैक्टर का मतलब क्या हो गया कि हमने क्या बैक्टीरिया को एज अ वैक्टर यूज किया है ठीक है कोई भी वायरस या फिर किसी का वायरस का जो कोई पार्टिकल है प्रोटीन है उसका जो जेनेटिक मटेरियल हम अगर ले रहे हैं एज अ वैक्सीन के फॉर्म में तो उसको हमने क्या लिया है उसको हमने एक बैक्टीरिया में बैठा के बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करके एज अ बैक्टीरिया को एज अ वैक्टर यूज करके वो वैक्सीन बनाई है तो उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल वैक्टर दूसरी हो सकती है वायरस टाइप वायरस लाइक -like पार्टिकल यानी कि हमने जैसा वायरस वो है उसी की तरह से एक वायरस बनाया है वो कोई पार्टिकल बनाया है उसको हम क्या कर रहे हैं ले रहे हैं ठीक है तीसरी जो नेक्स्ट है वो हो सकती है डीएनए पार्टिकल या फिर उसका हमने कोई वो वायरस का हमने डीएनए पार्टिकल लिया है उसको मॉडिफाई करके या उसको थोड़ा प्रेस करके अपनी बॉडी में हम एज अ वैक्सीन उसको ले रहे हैं तो ये क्या है डिफरेंट टाइप हो सकते हैं वैक्सीन के तो अब हम देख लेते हैं सिंपली एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको समझाती हूँ कि वैक्सीनेशन का मतलब क्या है वैक्सीनेशन का मतलब है कि सिंपली हम अपनी बॉडी को क्या कर रहे हैं अपने इम्यून सेल्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो क्या कर सके रियल पैथोजन जो रियल जो वायरस है रियल बैक्टीरिया है जो उनका इन्फेक्शन होगा तो उसके अगेंस्ट वो क्या कर सके लड़ सके फॉर एग्जाम्पल जो सोल्जर्स होते हैं जब से, सैनिक सेना में जब भर्ती होते हैं तो

हथियार पैदा करो हथियार मतलब एंटीबॉडीज बनाओ कि ताकि इन फ्यूचर अगर आपको इसी वायरस की तरह कोई पार्टिकल का अगर इन्फेक्शन होता है इसी से मिलता जुलता अगर किसी चीज का इंफेक्शन होता है तो आपकी बॉडी जल्दी से उस चीज को रेस्पॉन्स कर सके ठीक है जैसे कि हम सैनिकों को तैयार रखते हैं उनको हथियार पहले से दे के रखते हैं उनको हम बिना हथियारों के बिना ट्रेनिंग के ऐसे ही नहीं भेज देते कि जाओ आप सर्जिकल स्ट्राइक करके आओ हम उसको पहले उनको पहले ही प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं उनको प्रॉपर हथियार देते हैं कि आप ऐसे वहां पे उनके सामने लड़ोगे ठीक है जो उनके उनको ट्रेनिंग होती है ये उनको पता होता है कि हमने कैसे परफॉर्म करना है तो वहाँ पे उनके सामने वो क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं तो वैसे ही वैक्सीनेशन का भी है कि हमारी बॉडी को क्या दिया गया है पहले से हमने ट्रेनिंग दी है वैक्सीनेशन करके हमने अपने बॉडी को ट्रेनिंग दे दी है कि ताकि वो क्या कर सके आने वाले टाइम पे इन फ्यूचर अगर इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम पे वो क्या करें उस पैथोजन से लड़ सके जो उन्होंने अपनी उस इंसान की उस पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी में क्या कर सके उस इंसान की बॉडी में जो हथियार पहले से बना के तैयार रखें दैट इज एंटीबॉडी जो उसने बना के रखी है उसको क्या कर सके फटाफट से यूज करे और उस बैक्टीरिया और उस वायरस को क्या कर सके हमारी बॉडी से खत्म कर सके ठीक है अब हम जान लेते हैं कि कोवैक्सीन कैसे बनाई गई है ठीक है अभी तक हमने जाना कि वैक्सीनेशन क्या है टाइप ऑफ वैक्सीन क्या है अब हम देख लेते हैं कि कोवैक्सीन कैसे बनाई गई है जो जो कोवैक्सीन है हमें बहुत प्राउड होना चाहिए कि कोवैक्सीन क्या है मेड इन इंडिया है ये इसके जो पूरी कंप्लीट रिसर्च है वो कहाँ हुई है इंडिया में ही हुई है और वो इंडिया में ही बनी है किसने बनाया इसको भारत बायोटेक है, जो हैदराबाद में सिचुएटेड है उसने और आई ने मिलकर क्या किया कोवैक्सीन का को बनाया है ठीक है अब कोवैक्सीन ये बनाई कैसे गई है ये मैंने आपको पहले बताया था कि कोवैक्सीन में क्या हमने क्या यूज किया है जो होल वायरस है होल इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ वायरस को हमने लिया है ठीक है ये जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाए हैं उसके थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे हमने क्या लिया है इनएक्टिव वायरस को लिया है सबसे पहले पॉइंट में अगर हम देखें ए वाले पॉइंट में तो यहाँ पे क्या है ये कंप्लीट वायरस है इस वायरस को हमने क्या कर दिया है इनएक्टिव कर दिया है इनक्टिव वायरस मतलब और इनएक्टिव हमने किया कैसे है कोई पर्टिकुलर केमिकल्स के थ्रू हीट के थ्रू रेडिएशन उसको देखे हमने उस वायरस को क्या कर दिया इनएक्टिव कर दिया है? मार दिया है पूरा ठीक है उसके बाद हमने क्या किया है जो वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म है ठीक है अभी जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म होगा ये क्या करे? ये इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या कर सके बीमारी पैदा कर सके और अपना नंबर मल्टीप्लाई कर सके क्यों क्यों क्योंकि क्यों हमने इसको खत्म कर दिया इतना इतना वीक कर दिया है कि इसके पास इसकी जो भी शक्ति थी कि ये हमें क्या कर सके नुकसान पहुंचा सके और अपना नंबर बढ़ा सके फटाफट वो शक्ति हमने इसे छीन लिया उसको खत्म कर दिया है अब इस फॉर्म को हमने क्या लिया है अपनी बॉडी में

के अंदर किसी ने कोई अनजान अनजान व्यक्ति अगर आ जाता है कोई आदमी हमारे घर के अंदर आएगा तो हम उसको ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि उसके आओ तो नहीं कि आओ आओ भगत तो नहीं करेंगे आप अनजान आदमी हो बैठो हम चाय पिलाएंगे आपको ये देखो हमारे घर पे यहाँ पे ये यह है यहाँ पे ये यह हम उसको ऐसे तो नहीं करेंगे हम उसको क्या करेंगे अपने घर से भगाने की कोशिश करेंगे तो वैसे ही क्या करती है हमारी इम्यून सेल हमारे जो इम्यूनिटी है हमारी जो इम्यून सेल्स है बॉडी में वो क्या करते हैं जो ये वायरस है जो ये Osionfish. उसको पता है कि ये वायरस क्या है काम का नहीं है हमारी बॉडी क्या काम का नहीं है तो वो इसको पहचानता है और क्या करता है इससे लड़ने की कोशिश करता है अब इससे लड़ने की कोशिश करेगा तो उस टाइम पे वो क्या करेगा अपने हथियारों को तैयार करेगा अपनी एंटीबॉडीज बनाएगा ठीक है उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन उस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट क्या बनाएगा एंटीबॉडीज बनाएगा अब जो एंटीबॉडीज बनाएगा वो बहुत तेज बनाएगा फटाफट वो बना रहा है और ये जो वायरस है इसको हमने इतना इनएक्टिव कर दिया कि अपना नंबर इंक्रीज नहीं कर पा रहा है तो ये अपना नंबर इंक्रीज नहीं कर पा रहा है बट जो एंटीबॉडीज बन रही है वो फटाफट फटाफट इसके अगेंस्ट बन रही है तो इसीलिए ये क्या है हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है और हमारी बॉडी में क्या बन जा रही है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही है ठीक है अब इन फ्यूचर कभी जो रियल जो वायरस है ठीक है उसका इन्फेक्शन अगर होता है रियल कोविड नाइनटीन वायरस का अगर इन्फेक्शन हो रहा है हमारी बॉडी में इन फ्यूचर कभी होता है जब हमने वैक्सीनेशन ले लिया उसके बाद तब क्या होगा कि हमारी बॉडी में उसको पहचान लेंगे उस वायरस को कि अच्छा ये वही आदमी है या ये वही वायरस है जो पहले हमारी बॉडी के में एंटर हुआ था अब तो हमने इससे लड़ने के लिए ये वाली एंटीबॉडीज बनाई थी हमने ये वाले हथियार का यूज किया था तो अभी भी वही हथियार निकालो फटाफट और इसके अगेंस्ट क्या करो लड़ाई शुरू कर दो जैसे कि अगर वही आदमी हमारे अंदर हमारे घर के अंदर दोबारा घुसने की अगर कोशिश करेगा तो हम उसको एकदम से पहचानेंगे कि अच्छा ये वही आदमी है जो जिसने पहले कोशिश की थी हमारे घर के अंदर घुसने की तो हम क्या करेंगे जल्दी से एक्ट करेंगे पहले हम सोचेंगे कि अच्छा ये कौन है पूछेंगे उसके बारे में आप कौन हो कहाँ से आए हो लेकिन अगर वही आदमी दोबारा घुसने की कोशिश करेगा तो हमें पता है कि ये वही है जो पहले भी आया था तो हम जल्दी से एक्ट करेंगे उसको टाइम नहीं देंगे इतना सोचने का वैसे ही ये वै हमारी बॉडी क्या करती है पहले से अगर उसने एंटीबॉडीज बना रखी हैं वो उस वायरस को पहचानती हैं उसके पार्टिकल्स को पहचानती हैं कि हाँ ये वही वायरस है जो पहले हमने जिनसे लड़ाई की थी तो वैसे ही वो क्या करेंगी अगर इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट जल्दी से क्या करेंगी जो एंटीबॉडीज पहले से बनी हुई हैं उनको क्या करेंगी उनके थ्रू उस वायरस पे अटैक करेंगी और उसको हमारी बॉडी से क्या कर देंगी एलिमिनेट कर देंगी ठीक है ये है कोवैक्सीन का तरीका कि ये कोवैक्सीन कैसे बनाई गई है और हमारी बॉडी में कैसे वर्क करती है आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके डोजेस के बारे में डोजेस तो आप सभी को पता है कि हमें क्या है दो डोजेस इसकी रिक्वायर हैं, और जो सेकंड डोज है वो क्या है जो हमने फर्स्ट डोज लगवा लिए उसके चार से छह हफ्ते बाद सेकंड डोज हमने लगवा लेनी है तभी ये क्या होगा इफेक्टिव होगा ठीक है तभी इसकी जो एफिकेसी रेट है वो अपने एफिकेसी रेट पे खरा उतरेगा जब हमने दोनों डोज हम लगवाएंगे ठीक है और ये देखा गया है कि कोवैक्सीन क्या है इफेक्टिव है अगेंस्ट डिफरेंट स्ट्रेन अभी तक का के जितने स्ट्रेन आ चुके हैं उन सबके अगेंस्ट क्या है कोवैक्सीन इफेक्टिव है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यूएस स्ट्रेन आया है आया था ब्राजील स्ट्रेन आया था और सेकेंड और थर्ड स्ट्रेन तो हम देख ही रहे की अभी इंडिया में कितनी महामारी कितना आ, कोहराम मचा रखा है ठीक है तो ये देखा गया है अभी तक जितनी भी रिसर्चे हुई हैं जितने भी निकल के आया है उसमें यही देखा देखा है देखा गया है है गया कि जो कोवैक्सीन वो क्या है इन सारे स्ट्रेन के अगेंस्ट क्या है इफेक्टिव है इन कम्पेरिजन टू अदर वैक्सीन वो वैक्सीन भी हैं हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो वैक्सीन बिल्कुल खराब है बट ये क्या है कोवैक्सीन थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव है तो हमें इस चीज का प्राउड होना चाहिए कि कोवैक्सीन इंडिया में बनाई गई है और इंडियन वैक्सीन है और वो क्या है सारे स्ट्रेन के अगेंस्ट इफेक्टिव है सो so, जाइए और अपना वैक्सीनेशन करवाइए ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके प्राइसेस के बारे में अगर इसके प्राइसेस के बारे में बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट को ये चार सौ रुपए पर डोज मिल रही है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये क्या है फ्री लग रही है जहाँ जहाँ पे भी सेंटर अवेलेबल है वहाँ पे ये फ्री लग रही है और अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो बारह से पंद्रह सौ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये कोवैक्सीन मिल रही है फिर हम वैक्सीन है, तो अभी तक कोरोना की, 100 100 एफिकेसी की वैक्सीन नहीं आई है जो कोवैक्सीन है वो 80 परसेंट इफेक्टिव है ठीक है यानी की अगर सौ लोगों को कोरोना अगर फिर से हो रहा है वैक्सीनेशन के बाद भी तो एट्टी परसेंट लोग ऐसे है कि उनमें क्या है वो सही हो जाएंगे मतलब इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना अभी हो रहा है ऐसा नहीं है कि जो ट्वेंटी परसेंट है उनकी बिल्कुल हालत खराब हो जाएगी या उसमें बिल्कुल वो तो उसमें भी जो है वो वायरस उतना इफेक्ट नहीं करेगा बट क्या है कि हम ये अभी तक जो देखा गया है जो इसकी एफिकेसी रेट है वो एटी परसेंट है कि ये 80 ठीक है तो कुछ नहीं से कुछ बेहतर एटी परसेंट बहुत है तो जाइए और वैक्सीनेशन करवाइए इसके साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो साइड इफेक्ट क्या है अगर हम कोई भी वैक्सीनेशन करवाते हैं अगर हमको याद होगा कि बचपन में भी अगर हम वैक्सीनेशन करवाते थे या फिर हम अपने आस पड़ोस में जो छोटे बच्चे हैं उनको देखते हैं कि अगर उनका वैक्सीनेशन हुआ है तो उनको क्या होता है वैक्सीनेशन होने के बाद बुखार आता है वो रोते हैं रात भर दिन भर देखा है हमने सुना है तो वही है कि वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं हमें फीवर हो सकता है टायर्डनेस हो सकती है वीकनेस हो सकती है या हेड हो सकता है मसल जहाँ पे हमने वो वैक्सीन लगवाई है अपर आर्म में तो वहां पे हमें पेन हो सकता है यही क्या है इसके साइड इफेक्ट हैं और साइड इफेक्ट आना बहुत जरूरी भी है साइड इफेक्ट आएंगे तो इससे पता चलेगा कि हमारी बॉडी क्या कर रही है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर रही है यानी कि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है ठीक है नेक्स्ट जो है अगर हम देखें कि ये वैक्सीन किनको नहीं लगवानी चाहिए ठीक है किनको नहीं लगवानी चाहिए वो है अगर लैक्टेटिंग मदर्स हैं या प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं या फिर पर्सन विथ कोमोर्बिडिटीज है तो उनको क्या है अभी ये वैक्सीन लगवानी नहीं चाहिए या फिर अपने डॉक्टर से आप लोग कंसल्ट कीजिए फिर अगर जो भी वो आप लोगों को राय देते हैं उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए ठीक है तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे मेरे चैनल को आ, मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में टेदेन देन बाय टेक केयर थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो